ये देखिए गाइस, सूजी का हलवा मेरा कितना सुंदर बन के हो चुका है तैयार। ये है सुबह के नाश्ता। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, मेरा सूजी का हलवा हो के बन के हो चुका है तैयार। और मैं इसमें निकाल लेती हूँ खाने के लिए। इतना समय रहने देती हूँ, खाने के बाद अगर लगेगा तो मैं फिर से लूँगी। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं सूजी का हलवा। हेलो दोस्त, तो हम लोग का नाश्ता तैयार हो गया, सूजी हलवा। आज हम दोनों का दोस्त यही खाना है, सूजी हलवा खाना है। दोस्त जिसको खाना है आ जाइए। सुबह का नाश्ता गाइस, डेली रोटी खा खा कर मैं बोर हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं खा रही हूँ आज सूजी का हलवा। मेरा हस्बैंड का छुट्टी है, हम लोग का स्कूल में यहाँ पर कुछ TMC का काम चल रहा है, इसीलिए आज छुट्टी है। तो सुबह का नाश्ता मैंने सूजी का हलवा ही मैंने बनाया है। तो कैसा लग रहा है खाने में? खुश लग रहा है। तो चलिए आज में हम लोग दिन भर क्या क्या करते हैं, दिनचर्या मैं आप लोग को दिखाती हूँ, और किस किस को खाना है आ जाइए आप लोग सूजी का हलवा खाने के लिए। आपको कुछ बोला है? नहीं क्यों? ठीक है गाइस, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हम लोग के संग। हे गाइस, मेरा नाश्ता हो चुका है और आज मैं एक नई रेसिपी खाना बनाऊंगी। देखिए आप लोग इसको पहचानते हैं या नहीं, ये है सीम का बिच्चा, जो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, सीम का बिच्चा का सब्जी। और इधर मैंने आलू भी काट लिया है, इधर सीम का बिच्चा भी ले लिया, मैंने 3 टमाटर भी ले लिया है और थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी ले लिया है। और इधर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चावल मैंने होने के लिए बिठा दिया है, और कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को दिखाऊँगी सीम का बिच्चा का सब्जी किस तरह से बनते हैं। तो इधर देख सकते हैं गाइस, सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू को भूजने के लिए चपा दिया है यहाँ पर। ये आलू तब तक भुजाता है, और ये रहा सीम का बिच्चा। और इधर मैं मसाला पीस लूँगी, आदी लहसुन जीरा एंड मिर्ची। और इधर इसको देख सकते हैं, मेरा खाना देखने के लिए आया है, मैं कैसे तरह से बनाती हूँ। तो इधर देख सकते हैं गाइस, मेरा आलू फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मैंने जो धो के रखा था सीम का बिच्चा, वो अब इसको भी 2-3 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से भूज लूँगी। और इधर देख सकते हैं मेरा मसाला भी पिसा चुका है, और देखो अरे बाबू खेल रहे हैं गाड़ी। देख सकते हैं गाइस, मैंने स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक हल्दी मैंने मिला दिया है, और मेरा 2-3 मिनट में इसको अच्छी तरह से मैंने भूज लिया है सीम का बिच्चे को आलू के संग। और मेरा कलर भी बहुत सुंदर आ चुका है, लाल लाल हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना मसाला जो मैंने यहाँ पीस के रखा है, और मैंने टमाटर भी मैंने काट लिया है। तो मसाला टमाटर मैं एक संग दोनों डाल देती हूँ, और यहाँ पर मैंने मसाला और टमाटर मैंने एक संग डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मेरा छोटा साइज का टमाटर था बोल के मैंने यहाँ पर 3 पीस मैंने टमाटर डाला है। आप लोग को बड़े बड़े टमाटर हो तो 1 पीस डालने से ही हो जाएगा। लाइफ में गाइस फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ सीम का बिच्चे के सब्जी, पता नहीं कैसे बनेगा, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट ही लग रही है। अब इसको 3-4 मिनट तक मैं इसी तरह छोड़ देती हूँ, भूज लेती हूँ अच्छी तरह से। यहाँ देख सकते हैं गाइस, मेरी अच्छी तरह से भुजा चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो देखिए गाइस, मेरा जितना पानी लगेगा मैं बनाएंगे सब्जी भात, उस हिसाब से मैंने पानी यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं इसको होने के लिए छोड़ दूँगी 4-5 मिनट। कलर मेरा कितनी सुंदर आई है गाइस, बहुत सुंदर। मैं इसको देती हूँ ढाक, और इधर देख सकते हैं मेरा भात भी डबक रहे हैं।
और मेरा 5 मिनट हो चुका है दोस्तों, और इधर से देख सकते हैं मेरा सब्जी बनके कितनी अच्छे से हो गया है तैयार, एकदम स्वादिष्ट सब्जी। देखिए पूरा एकदम स्वादिष्ट सब्जी हो गया है मेरा बन के तैयार। तो किस किस को पसंद पड़ा मेरी सीम की बिच्छी की सब्जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसमें कुक कर दूंगी गैस को बंद। इधर से मेरा भात भी होने वाला है गाइस, सब्जी तो हो चुका है, इधर से मेरा भात भी होने वाला है, हो ही चुका है लगभग, बस थोड़ी सी और होगी। मैं इसको होने के लिए दे देती, छोड़ देती हूँ। इधर से मेरा सब्जी हो चुका है तो मैं इसमें गैस को कर देती हूँ बंद। तो आप लोग को कैसा लगा गाइस मेरा सब्जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं खाने टाइम में। इधर देख सकते हैं गाइस मैंने अपना पतिदेव को खाने के लिए दे दिया है सीम के बिच्चे की सब्जी एंड भात। स्वादिष्ट बना है, गरीब का खाना सीम का भात सब्जी भात। तो गाइस हम खाना खाने बैठ चुके हैं, सीम का बिच्चा देख सकते हैं, सीम का बिच्चा के सब्जी देखिए और भात। लाइफ में फर्स्ट टाइम गाइस हम खा रहे हैं सीम का बिच्चा के सब्जी एंड भात। मेरा टिकली उड़ गया यार, और मेरा पतिदेव ने पहले ही खा चुका है और मैं अभी खा रही हूँ। यहाँ धूप आ रहा है घर पे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। तब तक के लिए टाटा।